नमस्कार दोस्तों, 25 अक्टूबर 2023 का आज हम करंट अफेयर्स जानते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 संपन्न हुआ? तो आंसर है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 संपन्न हुआ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परगमन मांगों को अनुमति दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च करने वाले राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फायरबोल्ट किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? फायरबोल्ट का एम्बेसडर है विजय देवरकुंडा। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो ने कैटरीना कैप को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यहाँ पे हिसेंस और सात्विक सोलर रोप्स, यहाँ पे रविंद्र जडेजा ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये है बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर 907 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन के डिलीवरी के समय IRCTC ने जोमैटो के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन मिस्र देश ने आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन गुंडा में किया गया। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देंगी और गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लिखा है? तो वो लिखने वाले कोल्ड ब्लडेड लव लिखने वाले गिरीश दत्त शुक्ला। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माय डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया। हाल ही में RBI ने आरबीआई ने ईटानगर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? तो वो है, विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश है जापान। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिचाकू कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
2022 में जापान की जनसंख्या और 80 लाख घट गई है। सर, जापान की 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से घट गई है, 8 लाख से घट गई है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूवैज्ञानिक ने कहा मंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया, तो वो है लद्दाख में। लद्दाख में भूवैज्ञानिकों ने मंगा चट्टान के जीवाश्मों को पता लगाया। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया टेस्ट एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना सरकार द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में है। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में हुआ है। हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए गूगल ने डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही नवनवीन क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।